खरगोन जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के सर्कल प्रभारियों की नियुक्ति के पश्चात शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई, जिसमें देश में आम आदमी पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपनी आवाज बुलंद करने को लेकर अपने क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल के द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर बात रखी गई। देश में जिस तरह इस आज भ्रष्टाचार कर झूठी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है, उनका खुलासा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। आज आम आदमी पार्टी की बैठक अंबेडकर भवन में की गई, क्या विशेष रहा इसमें? आज आम आदमी पार्टी के सभी जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई, जिसमें ब्लॉक इंचार्ज, सर्कल प्रभारी एवं सभी विंग के अध्यक्ष एकत्रित हुए। पार्टी द्वारा अपनी रीति नीति, पंजाब दिल्ली का स्वास्थ्य शिक्षा एवं बेरोजगारी भ्रष्टाचार का मॉडल सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको बताया गया कि गांव गांव घर घर जाकर उक्त चीज़ों का अनुसरण एवं हर चीज़ बताई जाए, इसीलिए बैठक रखी गई थी। आज आगामी कोई कार्यक्रम केजरीवाल जी की रैली के बारे में सुनाया जा रहा है, क्या तैयारी उसको लेकर है? सम्माननीय केजरीवाल सर की रैली 25 जून को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रखी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सर्कल प्रभारी एवं ग्राम स्तर तक जो बनाए गए हैं, उन सभी को वहां बुलाया गया है। उक्त रैली में भाग लेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों पर आम आदमी पार्टी दमखम से चुनाव लड़ेगी। इन्हीं बातों को लेकर सम्माननीय केजरीवाल जी चुनाव का आगाज करने के लिए मध्य प्रदेश की धरा पर आ रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? जयंत गुप्ता, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।